हाय यार, प्लाजो में किसी को फ्लेयर ऊपर से पसंद होता है, किसी को बॉटम से पसंद होता है। तो मैं बताऊंगी आपको, अगर आपको खाली बॉटम में फ्लेयर चाहिए हो तो उसके लिए क्या करना है। हमारे पास पहले से ही स्ट्रेट पैंट्स के बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के पैटर्न्स हैं, तो उन्हीं को यूज़ करके हम बनाएंगे ये वाला प्लाजो। ठीक है, तो हमको इसमें फ्लेयर में बॉटम जो स्टार्ट होगी वो आपकी स्टार्ट होगी यहाँ से। ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो इतना पोर्शन हम ऊपर का ऐसे ही रहने देंगे और खाली नीचे के पोर्शन को हम स्लैश एंड स्प्रेड मेथड से करेंगे। तो अब जैसे बैक पार्ट भी इसी तरह से होगा और फ्रंट पार्ट भी इसी तरह से होगा। तो जैसे हमारे पास ये शेप है, ठीक है, हमारी शेप इस तरह से है ना। तो फ्लेयर देने के लिए हमें जो बीच का पोर्शन है नी लाइन तक, वो तो हमें सेम रखना है। ये नी लाइन तक तो हमें सेम रखना है, ये नी लाइन हो गई। नी लाइन के बाद हम इतने पोर्शन की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम फैला देंगे, तो कैसा दिखेगा ये? ये पोर्शन की आपने कटिंग कर दी यहाँ से, और जो बाकी का पोर्शन होगा वो इस तरह से देखिए ऐसा दिखेगा। बाद में इसको ज्वाइन कर देंगे, इससे स्टिचिंग आ जाएगी। अभी हम फ्लेयर बढ़ाने के लिए इसको हम कट कर रहे हैं, ये सेंटर लाइन से हमने कट करना था यहाँ से कट करना था। कट करने के बाद हमने उसको फैला दिया नी लाइन से। आपको जितना फ्लेयर अच्छा लगता है उतना फैला लेंगे। ये कट करने के बाद इधर आ गया आधा पोर्शन और आधा पोर्शन ऐसे चला गया। ठीक है, तो अब हमारा जो इस प्लाजो के लिए जो पैटर्न था वो इस तरह से रेडी हो गया। और तो अब इस हमारा जो फाइनल पैटर्न होगा वो कैसा दिखेगा? यहाँ तक तो हमारा प्लेन था नी लाइन तक, और फिर उसके बाद हमारा ये ऐसा आ जाएगा। तो ये तो हो गया बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट के लिए भी आपको ऐसे ही करना है, यहाँ आ गया ये। ठीक है, तो इसके दो पार्ट निकल जाएंगे बैक पार्ट के इसी तरह के, और फ्रंट पार्ट पे भी हम ऐसे ही करेंगे। फ्रंट पार्ट में भी नी लाइन तक सेम पोर्शन रहेगा ऊपर का, और नी लाइन से लेके बॉटम लाइन तक हम इस तरह से कटिंग करके सेंटर लाइन में से, और फिर इसका फ्लेयर बढ़ा देंगे। तो दो पार्ट हो जाएंगे फ्रंट के और दो पार्ट हो जाएंगे बैक के। दो पार्ट हो जाएंगे फ्रंट के और दो पार्ट होंगे बैक के। तो मार्जिन आपको लेना है इसमें, ठीक है, और ऊपर जो बेल्ट और लाइनिंग होगी उसके लिए भी आपको लेना होगा। ठीक है, तो
इस तरह का प्लाजो बनाने के लिए जिसमें फ्लेयर बॉटम से दिखता है, नी लाइन से लेके बॉटम तक दिखता है, ये तरीका इस तरह के प्लाजो को बनाने का है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।